हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 का हिंदी मीडियम फिजिक्स और हमारा चैप्टर है कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति के आप ऑलरेडी दो वीडियो देख चुके हैं, ये उसका थर्ड पार्ट है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस चैप्टर के, जिसे कहते हैं संघट, कोलिजन। कोलिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और कोलिजन से क्वेश्चन आता ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टॉपिक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं संघट। संघट का सामान्य मतलब होता है टक्कर। यदि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो संघट का मतलब होता है टक्कर। इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन माने टक्कर, संघट। अब यहां पर देखो कि हम संघट कहते कैसे। सामान्य रूप से टक्कर का मतलब आप समझते हैं, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकरा जाए तो वो संघट कहलाता है। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम उसको समझें तो टक्कर को यहाँ क्लासिफाई करके हम देखते हैं कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में जितने प्रकार के टक्कर देखते हैं, खासकर जब इस मैं टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो सभी स्टूडेंट्स को मैं याद दिलाता हूँ कि आप लोगों ने कैरम तो सबने खेला होगा। तो पूरे टॉपिक को पढ़ने के दौरान आपके ध्यान में कैरम का जो सिचुएशन है वो ध्यान में रहना चाहिए। या आपने गोली खेला होगा, गोली जो गोली से खेलते हैं, या बिलियर्ड तो खैर बच्चे इतना खेले नहीं रहते। ये सब जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सब क्या है, संघट से रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे। तो खासकर हम कैरम को रेफरेंस मान के चलेंगे। तो वहाँ पर टक्कर जो हम पढ़ते हैं, टक्कर जो होता है, कोलिजन, संघट जो होता है, एक्चुअल में वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यास्थ टक्कर। पहला टक्कर होता है प्रत्यास्थ संघट या प्रत्यास्थ टक्कर भी कह सकते हैं। ये इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर। और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। दूसरा होता है अप्रत्यास्थ टक्कर या संघट। इन इलास्टिक कोलिजन। तो अब यहां हम देखेंगे किस प्रकार के टक्कर को हम इलास्टिक कहते हैं और किस प्रकार के टक्कर को हम इन इलास्टिक कहते हैं। सबसे पहले देखें हम प्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर ऐसा टक्कर होता है जिसमें टकराने के पूर्व, दो पिंड के टकराने के पूर्व और टकराने के बाद संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या हो, नियत हो, माने कांस्टेंट हो। टकराने के पहले कुल गतिज ऊर्जा, कुल संवेग, टकराने के बाद के गतिज ऊर्जा और संवेग के बराबर हो, तब हम इस प्रकार के टक्कर को प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। मतलब प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब होता है ऐसा टक्कर जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा, संवेग तथा गतिज ऊर्जा, ये दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं। जब ये दोनों नियत होते हैं तो उस प्रकार के टक्कर को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। संवेग तथा गतिज ऊर्जा नियत। नियत होने का मतलब टकराने के पूर्व उतना ही जितना टकराने के बाद। परंतु अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग तो नियत होता है। ऐसा टक्कर जिसमें टकराने के पूर्व तथा टकराने के पश्चात संवेग नियत होता है, किंतु गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, तब हम इस टक्कर को क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इस प्रकार से अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग तो नियत होता है लेकिन गतिज ऊर्जा बदल जाती है। यह हुआ प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर का परिभाषा। यदि हम व्यवहारिक जीवन में पहचानना चाहें कि कौन सा टक्कर प्रत्यास्थ है और कौन सा टक्कर अप्रत्यास्थ, तो हम टक्कर के बाद के उसकी स्थिति को देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम निश्चित कर सकते हैं कि टक्कर किस प्रकार का था। वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, वो पहचानने का तरीका क्या है, कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने दो पिंड लिया, सपोज ये एक पिंड है और एक दूसरा पिंड है। ये पिंड जाके इसको पीछे से ठोकर मारा और ठोकर मारने के बाद दोनों फिर अलग अलग हो गए और आगे गति करने लगे। तो इस प्रकार का जो टक्कर है प्रत्यास्थ टक्कर में होता है। किंतु यही टक्कर यदि अप्रत्यास्थ हो,
इस प्रकार से ये पिंड जाके इसको पीछे से ठोकर मारा, तो टक्कर मारने के बाद दोनों पिंड यदि आपस में जुड़ जाएं और एक साथ गति करें ज्वाइंट होके, तो ये क्या है, अप्रत्यास टाइप का टक्कर होता है। हालांकि इसका परिभाषा नहीं है ना, परिभाषा तो यही जो मैंने बताया है, ये एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन है कि हम देख के पहचान लें कि कौन से टक्कर को हम प्रत्यास कहेंगे और कौन से टक्कर को अप्रत्यास। जैसे हम कैरम खेल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे अपन कैरम को गोली से स्ट्राइक करते हैं तो गोली कहीं और चला जाता है, स्ट्राइकर कहीं और चला जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि गोली से जाके स्ट्राइकर चिपक जाता है और दोनों जुड़े जुड़े जाके ड्यू में घुस जाते हैं। तब वो वाला टक्कर क्या टक्कर था, वो टक्कर था अप्रत्यास टक्कर था, अप्रत्यास संघट था। तो ये हम देख के पहचान सकते हैं कि टकराने के बाद यदि दोनों पिंड अलग अलग हो जाएं तो उस टक्कर को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास टक्कर कहेंगे, और टकराने के बाद यदि दोनों पिंड चिपक के एक साथ गति करें तब हम उस प्रकार के टक्कर को अप्रत्यास कहेंगे, पहचानने का तरीका है। अब हम बारी बारी से दोनों टक्कर का डिटेल स्टडी करेंगे, पहले प्रत्यास टक्कर का फिर अप्रत्यास टक्कर का, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो वन बाई वन हम इसको पढ़ते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यास टक्कर के बारे में, इसमें बहुत से डिटेल स्टडी है, और फिर प्रत्यास टक्कर के हम दो प्रकार पढ़ेंगे, एक विमी प्रत्यास टक्कर और द्विविमी प्रत्यास टक्कर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन प्रत्यास टक्कर, और वो किस तरह का वन डायमेंशन, ये ध्यान रखना, एक विमी प्रत्यास टक्कर है, वन डी लिखा मतलब एक विमी प्रत्यास टक्कर। अब यहाँ पर देखो, इस संघट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक पिंड लिया ए और एक दूसरा पिंड लिया बी, ये दोनों पिंड एक ही दिशा में गतिशील हैं। मान लो पिंड ए का वेग u1 है और इसका वेग u2 है, और यहाँ पर u1 क्या है, u2 से ग्रेटर है, बड़ा है, मतलब पीछे का पिंड ज़्यादा वेग से गति कर रहा है। इसका द्रव्यमान मान लो m1 है और इसका द्रव्यमान मान लो m2 है। इस प्रकार से पीछे का पिंड इस पिंड को क्या करेगा, जाके टक्कर मारेगा, क्योंकि इसका वेग पीछे वाले पिंड का वेग ज़्यादा है। अब टकराने के बाद क्या स्थिति बनती है, देखो टकराने के बाद ये पिंड ए है और ये पिंड बी है, तो टकराने के बाद इसका वेग और इसका वेग, अब इसका वेग मान लो वी वन हो गया, इसका वेग क्या हो गया, वी टू हो गया। तो यहाँ पर पिंड ए का वेग टकराने के बाद वी वन है, पिंड बी का वेग वी टू है, और यहाँ पर खास बात क्या होती है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना, कि अब जो वी टू है वो ग्रेटर देन हो जाता है वी वन के, ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, ये इस टक्कर का खासियत है। टकराने के पहले ए पिंड का वेग बी से ज़्यादा था, टक्कर मारा, टकराने के बाद दोनों के वेग बदल जाएंगे और पीछे वाला पिंड का वेग कम हो जाएगा और आगे वाले पिंड का वेग ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स यह पिंड अब इस पिंड को दोबारा टक्कर नहीं कर सकेगा, वो कंटिन्यूस आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका वेग अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्लियर। तो यह है प्रत्यास संघट की स्थिति। अब यहाँ पर हम वन बाई वन इसके फार्मूले देखते हैं, तो सबसे पहले हम चूंकि प्रत्यास टक्कर है, तो चूंकि टक्कर प्रत्यास है इसलिए क्या होगा, टक्कर के पूर्व या संघट के पूर्व संवेग, संघट के पूर्व का जो संवेग होगा वह संघट के पश्चात, वह संघट के पश्चात, संघट के पूर्व संवेग संघट के पश्चात के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको मालूम है कि संघट के पूर्व का संवेग संघट के पश्चात के संवेग के बराबर होगा, मैंने परिभाषा में बताया। तो संघट के पूर्व का कुल संवेग कितना होगा, द्रव्यमान गुणित वेग m1 u1, इसका क्या होगा प्लस m2 u2, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो यह हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2। इसको हम आगे सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज वन वन को एक तरफ सेपरेट कर लें, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ और एम वन को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा यू वन माइनस वी वन, और एम टू को इधर ट्रांसफर कर दें इसको, और एम टू को हम वहाँ से कॉमन कर लें तो हो जाएगा वी टू माइनस यू टू, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने निकाल लिया संघट के पूर्व का संवेग संघट के पश्चात के संवेग पर बेस्ड एक रिलेशन हमने निकाल लिया, क्लियर। अब हम जानते हैं कि प्रत्यास टक्कर में क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होता है, उसका भी मान नियत होता है, ठीक है। तो संघट के पूर्व, संघट के पूर्व काइनेटिक एनर्जी बराबर संघट के पश्चात
संघट के पश्चात काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। संघट के पूर्व का गतिज ऊर्जा संघट के पश्चात के गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो संघट के पूर्व का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और संघट के पश्चात की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। दोनों पक्षों से 1/2 कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब यहाँ पर भी हम 1/1 को एक तरफ सेपरेट कर लें तो राइट साइड से हम ये वाले पोर्शन को m1 v1 वाले पोर्शन को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो बाएं तरफ जब उसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से m1 कॉमन निकल जाएगा, तो m1 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दैट इक्वल, ये इधर चला जाएगा, वहाँ से हमने m2 को कॉमन कर लिया तो हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम यदि इसको ब्रेक करें, इसको गुणनखंड तोड़ें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी होगा, तो क्या लिख सकते हैं, m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v2 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ये हो जाएगा रिलेशन नंबर सेकंड। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट और रिलेशन नंबर सेकंड। अब रिलेशन सेकंड में फर्स्ट को भाग दे दो, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड में यदि हम फर्स्ट को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर ध्यान देना, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करने पर ये जो है माइनस वाला, ये माइनस वाले के साथ में कैंसिल हो जाएगा और m1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास बचेगा ये प्लस वाला टर्म बचेगा u1 प्लस v2 इक्वल टू, यहाँ से बचेगा ये v2 प्लस u2। अब यहाँ पर हम uv को एक साथ सेपरेट कर लें, एक साइड में uu को एक तरफ vv को, तो यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा u1 माइनस u2 दैट इक्वल, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें ये v2 प्लस u2, v2 प्लस u2 ये v1 होगा ना, सॉरी ये v1 होगा, तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें, 2 कहाँ से लिख लिया मैं इसको, ये हो गया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा v2 माइनस v1। और ये जो रिलेशन निकला है ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, पहला क्वेश्चन यहीं पर बनता है। और ये रिलेशन क्या बताता है, देखो इस रिलेशन को यदि हम शब्दों में एक्सप्लेन करें तो u1 माइनस u2, यहाँ चित्र में देखो u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 का मतलब क्या हुआ, टक्कर के पूर्व इनके पास आने का वेग, ये आपेक्षिक वेग है कि इस आपेक्षिक वेग से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर u1 बड़ा है u2 से, और ये v2 माइनस v1, देखो मैंने लिखा v2 बड़ा है v1 से, तो वो दूर जाने के वेग के बराबर होता है, ठीक है। मान इसको हम शब्दों में कह सकते हैं, टक्कर के पूर्व या संघट के पूर्व आपेक्षिक वेग, ठीक है, संघट के पूर्व का जो आपेक्षिक वेग है वह संघट के पश्चात आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। संघट के पूर्व का आपेक्षिक वेग संघट के पश्चात के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है, ये इस टॉपिक का मतलब है। जैसे मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 1 विमी प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि संघट के पूर्व का आपेक्षिक वेग संघट के पश्चात के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है, तो इतना आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। इसके बाद हमको इसमें और बहुत से पार्ट इसमें कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। इसके बाद हमको निकालना है संघट के पश्चात, पिंड ए का तथा पिंड बी का वेग, मतलब संघट के पश्चात v1 v2 का हमको मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण से हम u1 और u2 के मान को समीकरण एक में बारी बारी से रखते हैं, जिससे हमको v1 v2 का मान ज्ञात हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन अभी मैं इरेज करूँगा, ये वाला पोर्शन रहने देता हूँ, और उसके बाद या ये रिलेशन नंबर 2 कह देता हूँ इसको मैं, रिलेशन नंबर टू ये था रिलेशन नंबर 3। अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, टक्कर के पूर्व
सॉरी टक्कर के पश्चात ए तथा बी का वेग। क्लियर? ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसमें मेरे को बोर्ड को 2-3 बार इरेज करना पड़ेगा। आप लोग उसको नोट्स बना लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बेस पर पढ़ेंगे। अब हम आगे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात ए तथा बी का वेग, टक्कर के पश्चात ए तथा बी का वेग कि टक्कर के पश्चात ए और बी का वेग क्या है, तो तीन से, समीकरण नंबर 3 से हम इक्वेशन 3 को लिए और इक्वेशन 3 से हम यहां पर u1 का मान को निकाल लेते हैं। तो यहां u1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एक मिनट, यहां से टक्कर के पश्चात ए तथा बी का वेग, ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, एक और हेडिंग डाल देता हूं मैं यहां पर, ए का वेग। पहले मैं निकाल रहा हूं ए का वेग, और ए का वेग क्या है एक्चुअल में, v1 है, ये हम निकाल रहे हैं। तो v1 निकाल रहे हैं तो यहां से v2 का वैल्यू को डिस्प्लेस करो, v2 का, तो यहां से v2 का मान निकालो समीकरण नंबर 3 से। ध्यान रखना कब किसका मान पुट करना है, तो समीकरण 3 से मैं v2 का मान निकालूं तो इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया v1। क्लियर? इसलिए x से अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ये जो हमारे पास समीकरण 1 है इसमें हम मान को रख देते हैं किसका, v2 का। तो समीकरण 1 में इस मान को रखें तो क्या होगा, देखो ये हो गया m1 अंडर ब्रैकेट u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 इक्वल m2 और v2 का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे तो v2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे u1 माइनस u2 प्लस v1 और माइनस u2, यही लिख देता हूँ मैं इसको भी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही है माइनस u2। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल, यहाँ पर देखो ये m2 u1 इसके साथ हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 m2 u2 और इसके साथ हो जाएगा m2 v1। अब यहाँ पर हमको किसका मान ज्ञात करना है, v1 का मान ज्ञात करना है, तो v1 को क्या करते हैं एक साइड में सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर और ज़रूरत पड़ेगा, v2 माइनस v1 ये रिलेशन नंबर 3 है, यहाँ पर मैंने अलग से इसको लिख के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दैट इंप्लाइज v1 को एक साइड में सेपरेट करो तो ये v1 है और इसको हम इसके साथ पक्षांतर कर देते हैं, लेकिन लिख रहा हूँ मैं बाएं तरफ, तो दोनों में से v1 कॉमन होगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा m1 और वहां से बचेगा प्लस m2, ये हो गया v1। दैट इक्वल ये दोनों राशि को इधर ट्रांसफर करो तो ये है m1 u1, ये m2 u1, ये हो गया m1 u1 और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस m2 u1 और इधर आके ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 m2 u2। दैट इंप्लाइज इस m1 प्लस m2 को उधर हम ट्रांसफर कर दें तो v1 का मान निकल जाएगा, v1 इक्वल यहाँ से कॉमन है क्या u1, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 अपान m1 प्लस m2, ये नीचे पक्षांतर हो गए और ये हो जाएगा माइनस 2 m2 u2 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से ये हो जाएगा टक्कर के पश्चात पिंड ए का वेग, टक्कर के पश्चात पिंड ए का वेग। तो हमने क्या किया, एक बार रिपीट करता हूँ आपको ध्यान देना, टक्कर के पश्चात ए का वेग निकालना है तो हम समीकरण नंबर 3 से, ये समीकरण नंबर 3 है, यहाँ से v2 का मान निकाला तो v2 का मान निकल गया u1 माइनस u2 और प्लस v1, ये प्लस v1 हो गया। अब इस मान को हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो ये m1 u1 माइनस v1 प्लस m2
और v2 का मान यहाँ से पुट कर दिया, u1 माइनस u2 प्लस v1 और ये माइनस u2। अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, m1 u1 माइनस m1 v1 और प्लस m2 u1 माइनस, ये दोनों ऐड हो गए तो 2m2 u2 और प्लस m2 v1। यहाँ से हम v1 को एक साथ सेपरेट किए क्योंकि हमको उसका मान ज्ञात करना है, तो इसको इधर पर स्थानांतर किया तो प्लस हो गया, तो m1 प्लस m2 हो गया, उधर जाके v1 को कॉमन कर लिया और इसको मैं इधर पक्षांतर कर दिया तो m1 u1 ये माइनस हो जाएगा m2 u1 और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। अरे सॉरी, ये इधर माइनस है, इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या हो गए, प्लस होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर से हमने u1 को कॉमन किया, ये प्लस लिख लोगे ना, ये तो इसको हमने कॉमन किया यहाँ से और इसके नीचे में इसको पक्षांतर कर दिया, तो ये फार्मूला अपने को मिल गया। ये हो गया टक्कर के पश्चात a का वेग। इसी प्रकार से हम टक्कर के पश्चात बी का वेग निकालेंगे। क्लियर, देख लीजिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं निकालता हूँ टक्कर के पश्चात बी का वेग। टक्कर के पश्चात बी का वेग, इस इक्वेशन पर अभी हमको बहुत सारा डिस्कस करना है, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर ऊपर में एक बार लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो सब फाइनल इक्वेशन को मैं हाईलाइट करके लिखते जा रहा हूँ। ये हमने निकाल लिया है ए का वेग, क्या निकाला है, v1 इक्वल m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये निकाला है। चलिए अब हम निकालते हैं b का वेग। जैसे हमने a का वेग निकाला वैसे ही हम निकालते हैं b का वेग। तो b का वेग निकालना है जो कि क्या है, वास्तव में v2 है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 3 से v1 का मान निकालेंगे। ठीक है, v1 का मान निकालेंगे तो 3 से रिलेशन नंबर 3 से v1 इक्वल निकालेंगे, v1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो हो जाएगा v2 और ये दोनों उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो माइनस u1 प्लस u2। इसलिए x से अब इस मान को समीकरण नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं, ये अपने पास रिलेशन नंबर 1 है तो m1 u1 माइनस v1 ये हो जाएगा m1 अंडर ब्रैकेट u1 माइनस v1। तो यहाँ पर माइनस है और v1 का वैल्यू हम इसको पुट अप करेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि सामने माइनस है, तो हो जाएगा माइनस v2 प्लस u1 माइनस u2, ये हो जाएगा दैट इक्वल यहाँ पर देखो राइट साइड में m2 अंडर ब्रैकेट v2 माइनस u2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, दैट इम्प्लाइज m1 और ये u1 दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगे तो 2m1 u1 ये हो जाएगा माइनस m1 v2 ये हो जाएगा माइनस m1 u2 दैट इक्वल अंदर मल्टीप्लाई इसका करें m2 v2 माइनस m2 u2 दैट इम्प्लाइज। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, हमको यहाँ से v2 का मान निकालना है तो दोनों v2 को एक साइड से सेपरेट करेंगे, ये और ये, तो इसको इसके साथ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, उधर जाके प्लस हो जाएगा और v2 को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 ब्रैकेट के बाहर v2 दैट इक्वल इनको इधर पक्षांतर करो, इन दोनों से m1 को हम कॉमन कर सकते हैं, m1 को m1 u2 2m1 u1 कहीं मिस्टेक किया क्या, u1 आना चाहिए ना, 2m1 u1 ठीक 2m1 u1 m1 माइनस m2 u1 2m1 u1 यहीं पर मैं 1 2 लिखने में मिस्टेक कर दिया लगता है, 2m1 u1 ठीक है
एम वन माइनस एम टू यू टू। ठीक है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। यह पहले लिख लिया 2m1u1 और इसको मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर लिया और यहाँ से u2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ये m2 माइनस m1 होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो m2 माइनस m1 और कॉमन किया हूँ किसको, u2 को। दैट इम्प्लाइज अब इसको उधर पक्षांतर कर दो तो v2 इक्वल टू हो जाएगा 2m1u1 अपॉन ये डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 और प्लस ये हो जाएगा m2 माइनस m1। अभी आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ जिसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसी बेस पर अभी मैंने चेक किया है, गलत तो नहीं हो गया मैं करके, उसी बेस पर चेक किया है। यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ टक्कर के पश्चात पिंड ए का वेग, ये हमने निकाला है टक्कर के पश्चात पिंड बी का वेग। दोनों फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है, जो पहला आपको वेग निकला है उसमें सब में 1 का 2 कर दो और 2 का 1 कर दो तो अपने आप, जैसे हम जब कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करते हैं इतना फार्मूला कैसे रटेंगे, ट्रिक्स से हम फार्मूला को तैयार करते हैं। डेरिवेशन करना है तब तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, लेकिन मान लो हमको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं और सिर्फ फार्मूला हमको याद करना है तो ये फार्मूला यदि याद है तो इसको हम अपने आप लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 का 2 बस होता है और किस तरह से होता है, देखो ये 1 है ये 2 हो गया, यहाँ से लिखता हूँ ये वाला कोफिशियंट को 2 नहीं करना है ना, m2u2 m1u1 हो गया, अपान में m1 प्लस m2 तो एक 2 एक 1 हो गया तब तो वही रहेगा। दूसरा पार्ट देखो m1 माइनस m2 तो 1 को 2 करो तो m2 माइनस m1 ये u1 तो u2 हो गया और अपान m1 प्लस m2। ऐसे हम फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर फार्मूला निकाला है वो टक्कर के पश्चात ए का तथा बी का वेग है और इस फार्मूला के बेस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आगे हम इसमें बहुत से डिस्कस करेंगे। तो ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं, सिद्ध करो कि प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पूर्व का आपेक्षिक वेग टक्कर के पश्चात के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात ए तथा बी के वेग की गणना कीजिए, तो ये फार्मूला आपका निकलेगा v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये b का वेग। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे स्पेशल केस कि किस प्रकार से क्या होता है, स्पेशल केस में ये किस तरह से बिहेव करता है। क्लियर, तो यहाँ तक आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अब मैं आगे दोनों के फार्मूला पर डिस्कस करता हूँ। तो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ, ये फार्मूला यहाँ पर लिख दूंगा। और दोनों फार्मूला पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बी का वेग, टक्कर के पश्चात हमने बी का वेग निकाला है v2, ये इसको मैं लिखता हूँ 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस m2 माइनस m1u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा b का वेग। अब देखो यहाँ पर हम स्पेशल केस पर बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल केसेस, विशेष स्थिति। ये विशेष स्थिति में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो टक्कर है, ये जो एक किमी प्रत्यास्थ टक्कर है, यदि हम कुछ स्पेशल सिचुएशन उसमें अप्लाई कर दें तो पिंडों का जो टक्कर है वह किस तरह से बिहेव करेगा ये पढ़ेंगे। और इस तरह के टॉपिक ही, इससे रिलेटेड टॉपिक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि यदि u2 क्या हो, 0 हो, u2 0 हो कहने का मतलब क्या, ये दूसरे नंबर का जो पिंड है इसको हमने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया। जैसे कैरम में खेलते हैं, कैरम जब खेलते हैं तो सामने का गोली स्थिर रहता है, वो तो गतिशील रहता नहीं, स्थिर पिंड को कोई गतिशील पिंड जाके पीछे से टक्कर मारता है। यहाँ पर तो दोनों गतिशील थे, तो अब हम स्पेशल केस में आ रहे हैं कि यदि दूसरा पिंड क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, माने किसी स्थिर पिंड को कोई गतिशील पिंड जाके पीछे से टक्कर मारे तो क्या होता है, देखो देन उस कंडीशन में
देन इस इक्वेशन को देखो, ये जो इक्वेशन है पूरा जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा वी वन इक्वल वो वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा जीरो हो गया किसके कारण, इसके कारण। तो वी वन इक्वल टू हो जाएगा एम वन माइनस एम टू इंटू यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हो जाएगा। और वी टू जो होगा वी टू, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो अब हम यहाँ पर जो स्पेशल केस देख रहे हैं उसमें हमने दूसरे नंबर के पिंड को क्या मान लिया, स्थिर मान लिया। इस कंडीशन में ये वाला कंडीशन बनेगा, और तब हम देखो इसको अप्लाई कर दें यहाँ पर। तो पहला केस है यदि M1 बहुत बड़ा हो M2 से, कहने का मतलब क्या है, एक बहुत भारी पिंड, जो एक बहुत भारी पिंड है वो किसी हल्के स्थिर पिंड को जाके ठोकर मारे, माने पहला पिंड कई बार बड़ा का निशान मतलब बहुत बड़ा है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करें। देन उस कंडीशन में यहाँ पर देखो वी वन इक्वल टू, मतलब पहले पिंड के साथ, पिंड ए के साथ में क्या होने वाला है, देखो जो पहला पिंड है उसके साथ में टक्कर के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर अप्लाई करो एम वन बहुत बड़ा है, एम वन बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे एम टू को नेग्लिजिबल मान लेंगे, यहाँ पर भी एम टू को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो उस कंडीशन में एम वन यू वन अपॉन एम वन होगा, और एम वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी वन इक्वल टू क्या बचेगा यू वन बचेगा ये। एंड इसमें क्या होने वाला है देखो वी टू इक्वल टू, यहाँ पर एम टू को हम नेग्लिजिबल मानेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे, उसको जीरो करने के बाद एम वन के साथ में कैंसिल आउट होगा और हो जाएगा टू यू वन। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करता है हमको, ये कहता है कि यदि कोई भारी पिंड किसी हल्के स्थिर पिंड को जाके ठोकर मारे, तो टक्कर मारने के बाद उसका जो वेग होगा, टक्कर के बाद का वेग, वो उसके टक्कर के पूर्व के वेग के बराबर रहेगा। मतलब मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कोई ट्रक किसी स्थिर पिंड को, साइकिल लेके कोई खड़ा है उसको ठोकर मार दिया, तो ट्रक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूसरे के साथ क्या होने वाला है बोल रहा है, जो स्थिर था वह जो टक्कर मार रहा है उसके दुगने वेग से गति करने लगेगा। यही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गति करने लगा, रुका था लेकिन वो ठोकर मारा भारी पिंड, तो उसके डबल रफ्तार से वो आगे चल जाएगा, उसके रफ्तार का दुगने से चलने लगेगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ध्यान से समझना, यहाँ 3-4 कंडीशन है जिसमें से हमेशा नीट में या आईआईटी जी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना इसको। सेकंड नंबर केस में आप देखो, सेकंड नंबर केस में हम सपोज करते हैं कि इफ एम वन इक्वल टू एम टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एम वन इक्वल टू एम टू, दैट मीन्स दोनों पिंड बराबर द्रव्यमान के हैं और एक स्थिर पिंड को जाके वो ठोकर मार रहा है बराबर द्रव्यमान का। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इस फार्मूला में देखो दोनों बराबर हो गए तो जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वी वन इक्वल टू पूरा क्या हो गया जीरो हो गया ये। और एंड वी टू के साथ क्या होने वाला है देखो, वी टू को यहाँ पर देखो एम वन एम टू के बराबर हो जाए, तो हम इसको भी M1 लिख सकते हैं, M1 प्लस M1 2M1 और 2M1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल U1। ये रिजल्ट क्या कहता है, इसको शब्दों में भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ये रिजल्ट क्या कहता है, यदि समान द्रव्यमान के दो पिंड में टक्कर हो और जिसमें सामने वाला पिंड स्थिर हो, तो टक्कर मारने वाला जो पिंड है, जो पीछे से आके टक्कर मारा, वह रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, माने उसको टक्कर मारेगा और खुद वहाँ पर रुक जाएगा, और इसके बाद यह जो दूसरा पिंड है वह पहले पिंड के वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगेगा। मतलब कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बराबर द्रव्यमान के किसी स्थिर पिंड को टक्कर मारे, तो टक्कर मारने वाला वहाँ खड़ा हो जाएगा और जो वहाँ पर रेस्ट में था वह इसके वेग को लेकर आगे बढ़ने लगेगा। कई बार कैरम में या गोली खेलते समय आपने देखा होगा कि हम तेज़ी से गोली को मारते हैं, तो जिस गोली से मारते हैं वो जो वहाँ पर रहता है वहीं वो रुक जाता है और वो उसके वेलोसिटी से आगे बढ़ जाता है। ये कब पॉसिबल होता है, जब दोनों क्या हों समान द्रव्यमान के हों, क्लियर। तो ये पूरे कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना, ये पहला केस, ये दूसरा केस, और तीसरा केस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है देखो, थर्ड नंबर का केस, इफ एम वन इज वेरी लेस देन एम टू, मतलब जो ठोकर मार रहा है एक हल्का पिंड, इसको आप ऐसी कॉमन सेंस से समझ गए होंगे कि एक हल्का पिंड किसी भारी स्थिर पिंड को जाके ठोकर मारे, मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है
और ये सामने मेरे दीवार है, मैं इस बाल से दीवार को मारा तो दीवार के साथ क्या होगा, दीवार थोड़ा आगे खिसक जाएगा नहीं ना, दीवार अपने जगह में स्थिर रहेगा, और बाल के साथ क्या होगा, वापस अपने ही वेग से वापस आ जाएगा, तभी तो हमारे हाथ में दोबारा आ जाता है। तो देखो ये मैथमेटिकल रिलेशन ये बताता है कि नहीं, हमें देखते हैं तो क्या बताता है, देखो यहाँ पर इस फार्मूला को देखो, उस कंडीशन में वी वन बराबर एम वन बहुत छोटा हो, यदि एम वन बहुत छोटा हो तो इसको हम जीरो मान लेंगे, तो माइनस एम टू, यहाँ पर भी एम वन को जीरो मान लेंगे, एम टू कटेगा और माइनस बचा रहेगा, तो माइनस यू वन हो जाएगा, माइनस यू वन। ये मैंने बताया कि जो टक्कर मारा वह अपने ही वेग से माइनस माने वापस आ जाएगा, और दूसरे के साथ क्या होगा देखो, एंड ये वी टू, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम वन बहुत छोटा है, मतलब एम वन छोटा है मतलब लगभग जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर होने से क्या होगा, वो पूरा जीरो कर देगा, तो वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब स्थिर पिंड अपने जगह में रुका रहेगा, जो टक्कर मारा वो अपने ही वेग से वापस आ जाएगा, और जिसको टक्कर मारा गया वह अपने ही जगह में खड़ा रहेगा। जैसे रोड में कोई ट्रक खड़ा है, उसमें जाके कोई पीछे से टकरा जाता है बाइक वाला, तो ट्रक तो अपने जगह में खड़ा रहेगा, बाइक वाला रिबाउंड होकर पीछे आएगा, हालांकि वो बराबर पीछे नहीं आता, तो पीछे आने के कंडीशन में रहता नहीं। ये जो मैंने आपको बाल बताया है ना, आपने देखा होगा कि बहुत लोग इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, खड़ी ट्रक के पीछे में जाके घुस गए, खासकर रात को रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं लगा रहा, तो बहुत कॉमन एक्सीडेंट है। कार और बाइक मैंने आज तक इतने देखे हैं कि रात को रोड के किनारे एक ट्रक खड़ी है और पीछे से कार घुस गया, पीछे से बाइक घुस गया, ठीक है, लेकिन वो कोलिजन में प्रैक्टिकल नहीं, तो जाके फंस जाता है, कहाँ से आ गया। ये जैसे मैं बाल बताया, बाल को मैं दीवार में मारा वो वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाल दीवार जो है बहुत भारी है और बाल बहुत हल्का है। तो ये है स्पेशल केसेस, और ये आप देखे होंगे कि प्रत्यास टक्कर में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये जब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव के मल्टीपल चॉइस करते हैं, बाद में मैं कराऊंगा, पहले मेरा फाउंडेशन का क्लास कंप्लीट हो जाए, फिर आईआईटी जेईई नीट के लिए जो मेरे वीडियो आएंगे उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चन के आपको न्यूमेरिकल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सब कराऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपका क्लास का बेसिक फाउंडेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो उस तरह के क्लास आपके लिए कोई काम के नहीं होते। इसीलिए मैं अपने हर क्लास में डेप्थ में डिस्कस करता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट पुअर ना हो, कॉन्सेप्ट जितना ही स्ट्रांग होगा आप आगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे, क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, एक मिमी वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, अब पढ़ेंगे हम टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। तो ये पोर्शन मैं इरेज करता हूँ और अब स्टार्ट करते हैं अपन टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। आज के क्लास में मैं आपको प्रत्यास्थ संघट ही पढ़ाऊँगा, और इसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें अप्रत्यास्थ पढ़ाऊंगा। यदि मैं दोनों संघट को एक ही क्लास में पढ़ा दूं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, मुझे मालूम है, उसी में प्रत्यास्थ उसी में अप्रत्यास्थ इधर का उधर हो जाता है, इसलिए बहुत रिलैक्स आप पहले प्रत्यास्थ को तैयार करिए। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थ संघट कितना डायमेंशन, टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशन का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो, अभी तक मैंने जितना टक्कर आपको बताया उसमें एक पिंड किसी दूसरे पिंड को जाके पीछे से टक्कर मार रहा है, और टकराने के बाद दोनों सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन मान लो ऐसा हो कि हम किसी पिंड को टक्कर मारें और टकराने के बाद दोनों अलग अलग दिशा में चले जाएं। फॉर एग्जांपल कैरम, जब कैरम अपन खेलते हैं तो कट मारना होता है, बहुत एक्सपर्ट खिलाड़ी होता है जो कैरम का, वो किनारे से कट मार के उसको डी में डाल देता है गोली को, है ना, आप लोगों में से बहुत लोग भी ऐसा करते होंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किनारे से कट मारते हैं, तो गोली को जब किनारे से मारते हैं तो गोली अलग डायरेक्शन में जाता है, स्ट्राइकर अलग डायरेक्शन में जाता है, कभी कभी दो दो तीन तीन गोली को एक साथ कवर कर लिया जाता है। तो ये है टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, मतलब टकराने के बाद दोनों पिंड अलग अलग डायरेक्शन को फॉलो करें, तब हम उसको क्या कहते हैं, टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं चित्र बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सप्लेनेशन फिगर पर बेस्ड है, तो फिगर को ध्यान से समझना। देखो ये सपोज x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है क्योंकि टू डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, y एक्सिस है। अभी टकराने के पूर्व मान लो एक पिंड यहाँ पर है और दूसरा पिंड यहाँ पर है, ये a पिंड है, ये b पिंड है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस दिशा में गतिशील है, और इसका वेलोसिटी u1 है, इसका u2 है, और ये इससे ग्रेटर है। ये तो पहले का कंडीशन यही है। अब हुआ क्या, देखो
ये टक्कर के पूर्व का कंडीशन है। अब बी पिंड ने ए पिंड को जाके टक्कर मारा, तो टक्कर मारने के बाद मान लो जो ए पिंड है वो इस डायरेक्शन में चला गया, ये सपोज ए है, और ये चला गया वी वन वेलोसिटी से, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, इस दिशा में चला गया, और बी पिंड इस दिशा में चला गया, ये बी पिंड है, ये चला गया कितने वेलोसिटी से, ये चला गया मान लो वी टू वेलोसिटी से, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो पहला पिंड है वो एक्स एक्सिस से मान लो थीटा वन एंगल बना के जा रहा है, और दूसरा जो पिंड है वह एक्स एक्सिस से थीटा टू एंगल बना के जा रहा है, क्लियर। मतलब यहाँ पर टकराए, टकराने के बाद ए इधर चला गया, बी इधर चला गया, दोनों का वेग वी वन वी टू हो गया, मास तो वही रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि वी वन का यदि हम दो कंपोनेंट लें, दो घटक लें, तो इधर का जो घटक होगा वो थीटा के पास है, तो मैंने आपको बताया था वो कास होता है, तो यह हो जाएगा वी वन कास थीटा वन होगा, और इधर जो घटक होगा वो हो जाएगा वी वन साइन थीटा वन, ये हो गया। उसी प्रकार से यदि हम इसका घटक लें तो इस दिशा में पास है, तो यह हो जाएगा वी टू कास थीटा टू, और ये हो जाएगा वी टू साइन थीटा टू, ये इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ये है इसका एक्स एक्सिस। अब इस तरह से ये फिगर और इसके कंपोनेंट ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों एक्सिस के लिए हम यहाँ पर दो बार कैलकुलेशन करेंगे, एक बार एक्स अक्ष के लिए, एक बार वाई अक्ष के लिए, क्योंकि हमारा कोलिजन टू डायमेंशन है, अभी तक केवल हम एक एक्सिस के लिए करते थे। सबसे पहले अब मैं गणना करता हूँ किसके लिए, एक्स अक्ष के लिए, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है वह किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए, मैंने हेडिंग डाल दिया। एक्स एक्सिस के लिए संवेग पर हम बात करें तो संघट के पूर्व संवेग, क्योंकि टक्कर तो प्रत्यास्थ है, तो संघट के पूर्व संवेग बराबर संघट के पश्चात, संघट के पश्चात संवेग के क्या होगा, बराबर होगा, बहुत ज्यादा इसके लिए स्पेस चाहिए, ये हो गया। तो संघट के पूर्व संवेग बराबर संघट के पश्चात संवेग के बराबर होगा। संघट के पूर्व संवेग एक्स अक्ष के लिए क्या होगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। देखो इसमें कोई फार्मूला डिराइव नहीं होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिलेशन आएंगे, वो रिलेशन को समझना है, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो संघट के पूर्व का संवेग यह होगा और संघट के पश्चात का संवेग एक्स एक्सिस के लिए। तो द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान क्या है, एम वन है, लेकिन अब उसका वेग क्या हो चुका है, वी वन कास थीटा वन, तो हो जाएगा वी वन कास थीटा वन, और प्लस दूसरे का हो जाएगा एम टू वी टू कास थीटा टू। बस यही फाइनल इक्वेशन, इसको कोई साल्व नहीं करना है। तो इस रिलेशन को आपको समझना है कि किस प्रकार से, जैसे इसमें न्यूमेरिकल बनता है कि एक बम दो टुकड़े में फट के एक उधर गया, एक उधर गया, एक अक्ष इतना कोण बना के गया, उतना कोण बना के गया, तो यहाँ पर उसके मान को भरना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, क्लियर। अब संघट के पूर्व का संवेग उसी प्रकार से, तथा संघट के पूर्व, चूंकि यह प्रत्यास्थ टक्कर है, तो संघट के पूर्व काइनेटिक एनर्जी बराबर संघट के पश्चात, संघट के पश्चात काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, देखो एक्स एक्सिस के लिए 1/2 m1 u1² + 1/2 m2 u2² इक्वल, ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के लिए, तो 1/2 m1 v1² cos² θ1 ये वेग, इसका वेग, और सेकंड हो जाएगा प्लस 1/2 m2 v2² cos² θ2। तो ये फार्मूला निकल गया किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, और आपको कुछ नहीं करना है, ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस के लिए बस ये दो फार्मूला निकलेंगे। सिमिलरली यदि हम इसको वाई एक्सिस के लिए निकालें, इसको आगे कोई सॉल्व करने का और जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में इसको अपन रखते हैं। अब हम निकालते हैं किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्स के लिए। तो वाई एक्स के लिए संघट के पूर्व संवेग बराबर संघट के पश्चात
संघट के पश्चात संवेग के बराबर होगा। तो संघट के पूर्व संवेग वाई एक्सिस के लिए, अब यहां पर स्पेशल गौर करना, संघट के पूर्व वाई एक्सिस का संवेग क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि संघट के पूर्व तो वो वाई अक्ष में गति कर ही नहीं रहे थे, वाई अक्ष में गति करना स्टार्ट किया संघट के पश्चात, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और संघट के पश्चात का संवेग क्या हो जाएगा? उसका संवेग हो जाएगा m1 और v1 sin साइन थीटा वन, क्योंकि यहाँ पर ये v1 sin साइन थीटा वन वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। अब जब इधर कंपोनेंट लेंगे तो माइनस लेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो हो जाएगा m2 v2 sin साइन थीटा टू। तो ये रिलेशन मिलेगा हमको संघट के लिए। और इसी प्रकार से तथा संघट के पूर्व काइनेटिक एनर्जी बराबर संघट के पश्चात काइनेटिक एनर्जी। तो संघट के पूर्व काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि संघट के पूर्व तो वाई एक्सिस का कोई रोल ही नहीं है। अब संघट के पश्चात काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/2 एम वन, यहाँ पर कंपोनेंट है देखो वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, और ये माइनस आएगा नीचे डायरेक्शन में है, तो 1/2 एम टू वी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। ये होता है हमारा कंप्लीट टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। और इसमें कुछ नहीं है, यदि आपको फिगर बराबर क्लियर है कि किसके घटक किधर हैं तो आप आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल बनाते समय भी आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। बाय द वे, फार्मूला आपको याद नहीं है, जैसे मुझे यदि रिकॉल करना होता है ब्रेन में तो मैं इसको याद करके नहीं रखता। ये फिगर को यदि अपने ब्रेन में लाऊंगा कि इधर कॉस घटक है साइन घटक है, इमीडिएट हम फार्मूला को बना सकते हैं वहीं पर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, संघट का पहला पार्ट जिसको हमने कहा एक विमी प्रत्यास्थ टक्कर और द्विविमी प्रत्यास्थ टक्कर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है अप्रत्यास्थ टक्कर। यदि मैं इस वीडियो में ही उसको पढ़ा दूं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे मालूम, वन टू करते स्टूडेंट का दिमाग कन्फ्यूजन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा इसका अप्रत्यास्थ टक्कर और उसमें ऊर्जा हानि और कुछ छोटे छोटे टॉपिक और हैं उसके साथ अपन थोड़ा शक्ति पढ़ा देंगे, और उस पोर्शन में हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से रिवीजन करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, ताकि ये आपको तैयार रहे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।